आईपीसी की धारा 366 ये इस बारे में है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को किडनैप करे या अबडक्ट करे इस आशय के साथ कि उसे कंपेल किया जा सके उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए, या उसे कंपेल किया जा सके अपनी इच्छा के विरुद्ध जो है इलिसिट इंटरकोर्स के लिए, या तो जो अबडक्ट या किडनैप करने वाला व्यक्ति खुद, या उसे ये पता हो कि जो किडनैप जिसको किया गया है जिसका अबडक्शन हुआ है उसे कंपेल किया जा सकता है कि उसे इच्छा के विरुद्ध शादी करनी पड़े या उसे इच्छा के विरुद्ध इलिसिट इंटरकोर्स करना पड़े, तो फिर आईपीसी की धारा 366 ऐसे मामलों में अप्लाई होती है। ऐसे मामलों में जो सजा का प्रावधान है वो 10 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है और उसके साथ जुर्माना भी है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल इंटिमिडेशन के द्वारा या अथॉरिटी के मिसयूज के द्वारा भी ऐसा करता है, यानी कि महिला को कंपेल करता है या नोइंगली उसको पता है कि महिला को कंपेल किया जा सकता है कि शादी अपनी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए या इलिसिट इंटरकोर्स करने के लिए, तो भी यही सजा उन व्यक्तियों पर भी अप्लाई होगी। तो 366 में मोटा मोटा यही है कि किसी महिला को किडनैप या अबडक्ट इस उद्देश्य से किया जाए कि उसे या तो जबरदस्ती किसी व्यक्ति के साथ शादी करनी पड़े उस महिला को, या उसे इलिसिट इंटरकोर्स करना पड़े, तो आईपीसी की धारा 366 अप्लाई होती है।